हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। हवाई जहाज में खाने के लिए मिला से बैग में रखा, लगा 33,000 रुपए जुर्माना। हवाई जहाज में मिली खाने पीने की चीज को बाद में खाने के लिए बैग में रखना काफी भारी साबित हो सकता है। एक महिला यात्री के साथ अमेरिका में ऐसा हुआ। उसे प्लेन में खाने के लिए सेब दिया गया था। उसने बाद में खाने के लिए सेब को बैग में रख लिया। पीड़ित क्रिस्टल टेडलॉक ने कहा कि उसने यात्रा के दौरान फ्लाइट में मिले सेब को मिनियापोलिस से डेनवर की यात्रा के लिए बचाकर बैग में रख लिया था। कस्टम के अधिकारियों ने उनके बैग की औचक जांच की। उन्होंने कहा कि एजेंट ने उनसे पूछा कि या फ्रांस से उनकी ट्रिप महंगी थी। इस पर क्रिस्टल ने कहा हाँ, तो एजेंट ने कहा कि अब यह और भी महंगी साबित होने जा रही है, क्योंकि उनके बैग से सेब मिलने के बाद अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग ने $500 यानी 33,000 रुपए का जुर्माना लगा रहा है। क्रिस्टल कोलोराडो के डेनवर जाने वाली थी। इसी दौरान पहली उड़ान के बाद मिनियापोलिस में अमेरिकी सीमा शुल्क के जवानों ने उसकी तलाशी ली। इस दौरान महिला के बैग से जब्त किया गया सेब डेल्टा एयरलाइंस के प्लास्टिक के बैग में पाया गया। महिला ने अधिकारियों को बताया भी था कि उसे यह सेब फ्लाइट में दिया गया है, मगर फिर भी उसकी एक नहीं सुनी गई। डेल्टा एयरलाइन ने से इतना कहा है कि यात्रियों को कस्टम्स के नियमों का पालन करना चाहिए। कस्टम्स के डिक्लेरेशन फॉर्म में पूछा जाता है कि क्या वे अपने साथ कोई फल या सब्जी लेकर आ रहे हैं।